3, 2, 1। तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो फाइनली आज मैं अपने सपनों की राय लेने जा रहा हूँ और मैं जितना खुश हूँ बहुत ज्यादा। चलो मैं मिला दूँ मम्मी, मम्मी बताएगी आज कितना खुश हूँ। मम्मी बता, मम्मी आ गई है, बता कितने खुश है तू? मेरे बेटे का आज बर्थडे है। अच्छा अच्छा, मेरा बर्थडे मुझे बताया, ठीक है। और मेरा बेटा केटीएम देने गया। अरे वाह, तो मम्मी मतलब देख रहे हो मम्मी की चेहरे की मुस्कुराहट। और तुम्हें बताया देहरादून से मेरा आया फूफा। फूफा तो आज कैसा लग रहा है? मेरा आज बर्थडे है और शादी जल्दी करना की जो फूफा उठा ले। फूफा बर्थडे को छोड़ के शादी में लगे, बाल की हालत देखो कैसे हुए हैं। और एक प्यारी सी मेरी बुआ आई इतनी दूर से मुझसे मिलने, देखो बुआ कैसा लग रहा तुझे यहाँ आके? आज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे भतीजे का बर्थडे, गाड़ी लेने जा रहा हूँ। आज बुआ इतनी खुश है कि मैं बहुत बहुत खुशी है। इनको शोरूम, मैं इनको शोरूम भी लेके जा रहा हूँ, शोरूम में भी दिखाऊंगा। और गुड़िया मेरी बैठी है, गुड़िया ये तो बुआ कुछ कह रही है। इतनी खुशी हुआ, बहुत कुछ दिए मेरे भतीजे को, बहुत बहुत। आ जा बाबू, बाबू भी आ जाए। बाबू मेरी नमकीन खा रही है, देखे सर में। बाबू देख, बाबू देख नमकीन, देख मैं तेरे चिट्ठी लेके आऊंगा, नमकीन खा रही है। तो चलो मिलते हैं सीधे शोरूम में। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं शोरूम और ये सूरज भाई हमारे, सलमान भाई हमारे आगे जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर, अब शोरूम के अंदर ही हम जा रहे हैं, शोरूम के अंदर ही। तो गाइस हम पहुंच गए हैं शोरूम के अंदर और ये देख सकते हैं हमारे भाई लोग सूरज भाई, दीपूदा, प्याज भाई यहाँ साइन वाइन करते हुए, पूरी प्रोसेस हो रही है। प्रयास भाई की एक्साइटमेंट कितनी बढ़ चुकी है, बस थोड़ी देर और बालों की हालत इतनी बेकार हो गई, इन्होंने कल ही स्मूथनिंग कराई थी इन्होंने, और ये देख सकते हैं बालों की हालत। मतलब किसी भूत से मैं कम नहीं लग रहा हूँ इस समय, और खुशी तो इतनी है ना कि मैं बता नहीं सकता, बताऊंगा थोड़ी देर में। ये भी आ गया, इसको भी लो। हाय सूरज भाई, आप क्या कहना चाहोगे? संजू भाई, आप कुछ कहना चाहोगे रियाज भाई के लिए? सब चौक हो रहा है मामला, संजू भाई का कहना ये है। और रियाज भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इनके अंदर। तो गाइस हम ले ही रहे हैं, बस गाड़ी थोड़ी देर रह गई रियाज भाई वहाँ पे पीछे, वो देख सकते हैं हम वहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं रियाज भाई। और बस कुछ देर बाद हमारी सपनों की रानी रियाज भाई और हम लोगों के बीच हो गई। ये रियाज भाई को देखो यहाँ पे हेलमेट पहन के साइन कर रहे हैं, पता नहीं इतना क्या हो गया ना एक्साइट। और यहाँ पे एक भैया खड़े हैं हमारे, आपने इनको सौरभ जोशी ब्लॉग्स में देखा होगा, ये ही है वो विवेक भैया। और ये अपने भाई लोग कुछ खड़े हैं, और वहाँ पे अंकल खड़े हैं, ये आंटी जी हैं। बाइक की ओपनिंग, चलिए यहाँ पे 3, 2, 1 होने वाला है। 3, 2, 1 yeah! और यहाँ भाई लोग खड़े हैं हमारे, अरवाज है यहाँ पे हमारे, और ये संजू भाई और हमारी आंटी रेडी होते हुए इसमें। सलमान भाई गाड़ी को घर ले तक लेके जाते हुए, बस मोहल्ले में पहुंच गए गाइस। तो गाइस बस हम पहुंचने वाले हैं सलमान भाई के घर, और गाइस ये रोड बहुत छोटी है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। और अरवाज भाई भी पहुंच चुके हैं गाइस। गाइस आज मैं अपने सपनों की राय लेके आ गया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं शोरूम में जाता इतना बिजी हो गया था, थैंक गॉड जी मेरे साथ लक्की गया था, संजू गया था, सूरज गया था और शायद दीपू भी गया था। तो सबसे ज़्यादा थैंक यू लक्की का,
क्योंकि उसने मेरे सारे वीडियोस शूट करी और उसको दिल से थैंक यू संजय भाई, थैंक यू आपने मेरे को बाइक दिया अपना यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नहीं बता सकता, इतना खुश हूँ ना कि आज मैं अपने सपनों की रानी लेके आया हूँ। और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ तक कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी शुरू करी। जॉब तो मैं अब भी कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा, बाकी अब तबाही वाली बाइक आई गई है तो आज से मोटो ब्लॉगिंग भी शुरू होगी, लाइफ स्टाइल भी शुरू होगा। मतलब जहाँ हम जाएंगे जैसा जो करेंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। आप दबा लोग, मतलब आप लोग के ऊपर है कि ऐसे प्यार देते रहो और बताऊंगा मैं कितना स्ट्रगल किया और कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ और कैसे मेरे सपनों की रानी मेरे पास आई। तब तक के लिए बने रहो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर एक कमेंट जरूर करके आना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय।